गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टी गुरुदेव की, पूज्य मुनिषि चंद्रभव सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण को भी भगवान बना देता हूँ। श्रद्धा क्या कहती है कि मैं पाषाण को भी भगवान बना देता हूँ, और तर्क कहता है कि मैं भगवान को भी पाषाण बना देता हूँ। जहाँ श्रद्धा आस्था होती है, सभी लोग बैठ जाओ, जहाँ श्रद्धा आस्था होती है तो वहां पर अपने आप ऐसे भाव बन जाते हैं जैसे कि आप सबके यहाँ पर भाव हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबके भावों की अनुमोदना कर दीजिए। हाँ, आप लोग ने देखा होगा भारत सरकार ने आपके लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए आपका एक परिचय पत्र बनाया था, जानते ना, आपका आई कार्ड जिसको बोलते ना, ऐसा परिचय पत्र बनवाने के लिए उसने योजना चालू की थी भारत सरकार ने, क्योंकि उसकी व्यवस्था जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी जरूरी है। तो क्या हुआ, साथ में उसमें आपकी फोटो भी बना दी गई, साथ में फोटो लगाने की भी व्यवस्था कर दी गई थी। अब क्या हुआ कि सरकार ने आपके लिए वो कार्ड बनाने के लिए व्यवस्था कर दी और साथ में फोटो भी लगाने की व्यवस्था कर दी। अब आप देखिए उसमें आपकी फोटो कैसी थी, उसमें व्यवस्था कैसी थी, वह उसमें व्यवस्था ऐसी थी कि इंसान इतना बुरा नहीं होता है, ध्यान सुनना, इंसान इतना बुरा नहीं होता है जितना कि आधार कार्ड में दिखता है। सबके आधार कार्ड बने ना, सभी फोटो कैसी थी, क्या वैसी है, इंसान इतना बुरा नहीं होता है जितना कि वह आधार कार्ड में दिखता है, और इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है, ध्यान सुन लेना, बैठ खड़े नहीं, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना कि वह अपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में दिखता है। पूरे चेहरे पर 56 टिकली बोलते ना, 6 छक्के दाग भी हो, पूरे शरीर में 6 छक्के दाग हो और झुर्रियां पड़ गई हो, कालापन भी हो, लेकिन आप इतने होशियार होते हैं जब बाट साफ करते हैं उसमें कैसे कर देते हैं, हाँ, या अपने फेसबुक में जो भी आप डालते हैं ना अपनी फोटो, तो वैसे नहीं डालते हैं। तो इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है, इतना बुरा भी नहीं होता है जितना कि आधार कार्ड में दिखता है, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना कि वह फेसबुक में दिखता है। इसी आगे की आप आपको बताते हैं, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है, सुनना ध्यान से, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि सब जानते ना कि संतान कैसी भी हो माँ को प्यारी होती है, लड़का हो या लड़की हो, वो व्यसन भी करता हो, गलत काम भी करता हो, तब भी माँ बोलती कि मेरा बेटा तो राजा बेटा है, मेरी बेटी तो रानी बेटी है। इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना कि उसको उसकी माँ समझती है। और अगली बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, इंसान इतना बुरा भी नहीं होता है, इंसान इतना बुरा भी नहीं होता है जितना कि उसको उसकी धर्मपत्नी समझती है। ये हमारी सोच है, कौन सी वस्तु अच्छी है कौन सी खराब है, वस्तु ना अच्छी होती है ना वस्तु खराब होती है, हमारी सोच, हमारा जैसा उसके प्रति भाव लगा रहेगा वैसा ही होता है। अब देखो चंद्रमा, अब चंद्रमा की चांदनी सबको अच्छी लगती है, जब अमरकंटक जाते हैं और रात में वहां रुकते हैं और नर्मदा का उद्गम स्थल देखते हैं, दूध धारा देखते हैं, कपिल धारा देखते हैं, और से उस पहाड़ी पर स्थित आदिनाथ भगवान का जिनालय देखते हैं, और गगनचुंबी ऐसा सहस्कुट जिनालय जब आप चांदनी रात में देखते हैं तो कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है। उस समय चंद्रमा सबको अच्छा लगने लग रहा है, लेकिन जब वह
व्यक्ति जिसके जो व्यसन में लिप्त है, जो चोरी करना चाहता है, तो उसके लिए वह चंद्रमा की चांदनी अच्छी लगती है क्या? उसको पसंद आती गई? तो इसी प्रकार से हमें कहना है, हम जैसे भाव बनाते हैं वैसा ही कार्य होता है। पिताजी ने कहा, बेटी मैं तेरा शादी अच्छी जगह करना चाहता हूं। ठीक है पिताजी, मैं तुम्हारे हाथ पीले करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुझको जन्म देने वाला हूं, मैं तुम्हारे शरीर को तुमको जन्म देने वाला हूं। बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपके कृतज्ञ हूं, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैंने संगति की है मुनि महाराज की, आरिका संघ की, हमने तत्व उपदेश भी सुना था कि आप इस देह के तो आप मालिक हो सकते हैं, पर मेरी आत्मा के मालिक नहीं हो सकते हैं। अरे बेटी तू कैसा कह रही है, मैं तेरा जन्मदाता हूं। ठीक है तात, आप सही कह रहे हैं, बड़ी बेटी बड़ी बहन की तुम्हारी शादी मैंने कर दी है, बड़ी बेटी के हाथ मैंने पीले कर दिए हैं, अब तुम्हारा नंबर है, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढ करके तुम्हारी शादी करूंगी, जो आज्ञा जैसी है। अब बेटी स्वाध्यायशील थी, पढ़ी लिखी थी और उसको संगति अच्छी प्राप्त हुई थी। उसने क्या कहा, उसने कहा, तात ठीक है, लेकिन मेरे कर्म जैसा होगा, इस जीव ने जैसे कर्म किया होगा, जैसे भाव किए होंगे, वैसा ही मुझको फल प्राप्त होगा। अरे ढीठ लड़की, तू क्या कह रही है, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता तेरा, क्या मैं तेरा कर्ता नहीं हूं क्या? उस बालिका ने कहा, पिताजी क्षमा करना, हम अपने भावों के कर्ता हैं, हम पर के कर्ता नहीं है। ये हमारी ये आपकी मति ऐसी हो गई है कि मैं पर का कर्ता हूं, पर का भोगता हूं, पर का स्वामी हूं। आत्मा तो स्वयं अपना स्वयं का कर्ता भोगता और स्वामी होता है। कैसे जवाब दे रही तू? पिताजी मैंने स्वाध्याय किया, उसी हिसाब से बोल रही हूँ, सब कर्म का होता है, जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कैसे भी पति ला के दे दूं, स्वीकार कर लोगी? जी पिताजी आपकी आज्ञा सिरोधार है। अच्छा इतना तुमको विश्वास है? हाँ मुझको वाणी पर विश्वास है, गुरु की वाणी पर विश्वास है, हमें भगवान की वाणी पर विश्वास है कि जैसा कर्म किया जाता है उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पिताजी का अहम आड़े आ रहा था, यहाँ पर उनका अहम कि मैं करता हूं, मैं इसको करने वाला हूं, उनकी अपने मान कसाई आ रही थी कि मैं जो करूंगा वह ऐसे ही होके रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो आप चाहोगे। उन्होंने कहा, ढीठ निर्लज्ज लड़की, तू मेरे मुझसे पैदा हुई है और मुझसे बहस लड़ाती है। उस बालिका ने क्या जवाब दिया कि पिता ठीक है, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हास असु लदू राध की प्रकट ब्याज घेरी, काना पौड़ा पड़ा हाथ चूसे तो रोबे फले अनंत जो हमें धर्म विषय बोवे। ऐसा आता है कि यह देह जो है कैसी अपावन है और वह नष्ट होने वाली है, इसलिए इस देह को नष्ट होने के पहले ही धर्म ध्यान करना चालू कर दो, यही हमारा कर्तव्य है। यह कथानक किसका है? मैना सुंदरी का, उसके पिताजी राजा बहुपाल का है। तो मैना सुंदरी के लिए उसके पिताजी ने जानबूझकर ढूंढ करके एक कोड़ी पति के साथ शादी कर दी, लेकिन सबको मालूम है यदि अंदर के भाव अच्छे होते हैं परिणाम होते हैं। उस बेटी ने क्या कह दिया, पिताजी मेरे परिणाम अच्छे होंगे, मेरा पुण्य का उदय होगा, तो मेरा कोड़ी पति भी कामदेव बन जाएगा। उसने सिद्ध चक्र मंडल महाविधान किया, सिद्धों की आराधना की, पंच परमेश्वर की आराधना की, सब जानते हैं कि कोड़ीपति भी कामदेव जैसा सुंदर हो गया, श्रीपाल जिसका नाम रहा है। इसलिए हमको ऐसा हट नहीं करना कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा, जो जैसी व्यवस्था है उसमें हमको साथ देना है, हमेशा सुखी दुख रहना नहीं है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव ऐसा कहते जरूर आप हो, लेकिन कोई भी वस्तु ना सुख देती है ना दुख देती है। हमको यही करना है, अपने परिणाम अच्छे करना है, हमारे भाव अच्छे रहेंगे तो वस्तु हमको वह सुखी प्रदान सुख प्रदान
करेगी, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच। तो सभी भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा रखें, अपने परिणाम अच्छे रखें, तो सबके परिणाम अच्छे होंगे, तो हमारा कर्म का फल भी हमको अच्छा मीठा मीठा प्राप्त होगा। सबका स्वस्थ, सब लोग सब तन से मन से धन से सुखी रहें और आपस में शांति का अनुभव करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की जा, वाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मत साधु। सभी लोग जन्माष्टमी कर लें और सभी लोग सावधानी रखेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना फिर से यहाँ पर